Good morning. The forecast for today is sunny, 72 degrees. Perfect for light casual wear. Welcome to the era of artificial intelligence. कल्पना कीजिए कि जो चीज़ें 10 साल पहले तक हम सिर्फ साईफाई मूवीज़ में देखा करते थे वो आज हमारी रियल लाइफ में सच होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो एलोन मस्क के एडवांस्ड एआई रोबोट्स हो या पूरी तरह से ऑटोमेटेड बसेस या साइबर ट्रक्स, ओपन एआई का चैट जीपीटी हो या गूगल का जेमिनी बार्ड, ऐसे इनोवेशंस जो एक वक्त पर सिर्फ इमेजिन किया जा सकता था वो आज रियलिटी में बदल चुका है। वो दिन अब दूर नहीं जब ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। एआई के इस्तेमाल से आज हम वो काम कुछ ही मिनट्स में कर पा रहे हैं जिसे करने में पहले घंटों का समय लगता था। लेकिन जहां एक तरफ एआई की एडवांसमेंट कमाल की है तो वहीं दूसरी तरफ एआई फ्रॉड और मिसयूज का एक पावरफुल टूल भी बन चुका है। आपने कभी ना कभी नरेंद्र मोदी के गाने को जरूर सुना होगा। या रश्मिका मन्ना के डीप फेक वीडियो को जरूर देखा होगा जिनमें उनके फेस को किसी और के बॉडी पे चिपका दिया गया था। लेकिन ये बस मजाक तक सीमित नहीं है। एआई अब इतना पावरफुल हो चुका है कि किसी की आवाज तक को बहुत ही आसानी से क्लोन किया जा सकता है, जिसके बाद स्कैमर्स आपके फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ही आसानी से स्कैम कर सकते हैं। दोस्तों, जहां एआई एक तरफ हमारे फ्यूचरिस्टिक सपनों को सच कर रहा है तो वही दूसरी तरफ उनका मिसयूज एक सीरियस कंसर्न भी बन चुका है। और ये बहुत जरूरी है कि आप इन सब स्कैम से अवेयर रहें। चलो, स्कैम तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एआई का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऑलरेडी एआई का इस्तेमाल करके महीने के हजारों या लाखों रुपए कमा रहे हैं। चाहे वो चैट जीपीटी से ब्लॉग लिखवा कर हो या एआई का इस्तेमाल करके कंटेंट क्रिएट करना हो या फिर कुछ और। लेकिन अगर आप अभी तक एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप सच में बहुत पीछे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप एआई का इस्तेमाल करना सीखें ताकि आप दूसरों से बहुत स्मार्ट और क्रिएटिव बन सके, ना सिर्फ पैसे कमाने के लिए बल्कि अपने आप को भी इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आपको एआई के ऐसे ऐसे इस्तेमाल बताऊँगा जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें मशीन को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच और फैसले ले सके। सिंपल शब्दों में बोले तो एआई एक मशीन को स्मार्ट बनाने का तरीका है जिससे वो इंसानों की तरह रिएक्ट और एक्ट कर सकती है। एआई की वजह से आज हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, डिसीजन मेकिंग और इवन क्रिएटिव काम भी आसानी से कर सकती है, जिसे पहले सिर्फ इंसानी दिमाग से ही किया जा सकता था। एआई के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी हैं, जिसमें नंबर वन पे है मशीन लर्निंग। ये एआई का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें कंप्यूटर्स को डेटा के जरिए ट्रेन किया जाता है ताकि वो पैटर्न समझ सके और बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड हुए नए तरीकों से रिएक्ट कर सके। मतलब मशीन्स को स्पेसिफिक टास्क के लिए प्रोग्राम नहीं किया जाता बल्कि डेटा से सीखकर अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। नंबर टू, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इस टेक्नोलॉजी की वजह से एआई सिस्टम्स इंसानी जुबान को समझ सकते हैं और उस पर रिस्पोंड भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन में वॉइस असिस्टेंट जैसे सीरी और गूगल असिस्टेंट से बात करते हैं और वो आपके सवालों का जवाब देते हैं। What restaurants are there? Book a table at Cortino Restaurant. Sure. Number 3, computer vision. इसके थ्रू एआई इमेजेस और वीडियो को एनालाइज करके उनके अंदर के ऑब्जेक्ट या चीजें पहचान सकता है, जैसे फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में होता है। नंबर 4, डीप लर्निंग। ये ईमेल का एडवांस्ड फॉर्म है जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है। इसमें मशीन बिल्कुल इंसानी ब्रेन के न्यूरॉन कनेक्शन की तरह लर्न करती है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। आज के टाइम में एआई इतने एडवांस हो चुके हैं कि इनका इस्तेमाल हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस
एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर ऑलमोस्ट सारे फील्ड में किया जा रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतिहास 100 या 200 साल पुराने नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा सदियों से होती आ रही है। तो चलिए क्यों ना एक लंबे सफर पर चलते हैं जहां हम देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कहानी शुरू हुई आज से हजारों साल पहले, जब कंप्यूटर्स या बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में था। प्राचीन सोचने वाले इन्वेंटर्स और कहानी सुनाने वाले कल्चर्स में इंटेलिजेंट बींग्स के सपने देखते थे, जैसे कि प्राचीन ग्रीक मैथोलॉजी में हेफाइस्टस, जो कि लोहारों का देवता था, टालोस नाम का एक ब्रोंज ऑटोमेटन बनाता था। टालोस यानी एक ऐसा गार्ड जो द्वीप के चारों ओर घूमकर उसकी सुरक्षा करता था, और अगर कोई दुष्ट व्यक्ति या शत्रु द्वीप में प्रवेश करने की कोशिश करता तो टालोस उस पर हमला करता था। इस कहानी में टालोस के काम और लक्ष्य को देखे तो वो एक मॉडर्न AI सर्विलेंस सिस्टम जैसा लगता है, जो हमारे शहरों और मुल्कों की सुरक्षा के लिए बना होता है। ये सोचना कि इंसान ऐसे मशीन से बना सकता है जो सोचने की क्षमता रखते हैं, ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं थी, बल्कि सदियों से इंसान ऐसी मशीन या टूल्स बनाते आए हैं जिसके मदद से वे अपने काम को आसान बना सके। इसके अलावा प्राचीन चाइनीज और इंडियन टेक्स्ट में भी आर्टिफिशियल बींग का कॉन्सेप्ट था। जैसे इंडियन इपिक रामायण में विश्वकर्मा नाम के देवता पावरफुल ब्रह्मास्त्र जैसे वेपन्स बनाते थे, जो युद्ध में दुश्मनों को हराने में मदद करता था। ये दिखाता है कि इंसान हमेशा से ऐसे हेल्पर्स और वेरियस बनाने की कोशिश करता आया है जो उनकी क्षमताओं को बढ़ा सके। ऐसी कहानियां इंसानी इच्छा को दिखाती है कि कैसे हम अपने काम को आसान बनाने के लिए हमेशा से कुछ नया और अलग सोचते आए हैं। इसके बाद 384 BCE से 322 BCE के बीच एरिस्टोटल ने प्राचीन ग्रीस में लॉजिक और रीजनिंग पर गहरा सोच विचार किया, जो स्ट्रक्चर थिंकिंग की फाउंडेशन बन गई। उसने आर्ग्यूमेंट्स, प्रोसेसेस और डिसीजन को लॉजिकली समझने और डिफाइन करने की कोशिश की। ये फॉर्मल लॉजिक के प्रिंसिपल्स जो आज हम एल्गोरिदम्स में इस्तेमाल करते हैं उसी समय से स्टार्ट हुआ था। मतलब चाहे हम उस समय मशीन्स नहीं बना पाए थे, लेकिन आर्टिफिशियल रीजनिंग की फाउंडेशन रखी जा चुकी थी। इसके कई सदियों बाद 20वीं शताब्दी में मॉडर्न AI का पहला कदम उठाया गया, जब World War II के दौरान डिजिटल कंप्यूटर्स बनाए गए। उस वक्त डिजिटल मशीन्स को डिजाइन करने का मौका मिला। ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने अपने 1950 के पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में एक प्रश्न उठाया, क्या मशीन सोच सकती है? ये प्रश्न सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं था, बल्कि ट्यूरिंग ने एक प्रैक्टिकल अप्रोच का सोचा कि कैसे मशीन्स को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस दिखाने के लिए टेस्ट किया जा सकता है। इसे हम ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। इस टेस्ट में एक मशीन को एक ह्यूमन को ये कन्विंस करना होता है कि वो भी एक ह्यूमन है। ये सोचना और मशीन्स को इंटेलिजेंस की तरफ ले जाना AI के फ्यूचर का आधार बना। इसके बाद 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई, जो AI के एक डेडिकेटेड स्टडी फील्ड की शुरुआत बन गई। इस कॉन्फ्रेंस में जॉन MC कैडी, मैरविन मिन्सकाई, नैथेनियल रोकेस्टर और क्लाउड सैनन जैसे पाइनस ने हिस्सा लिया। उन्होंने मशीन्स को सोचने और सिखाने की कोशिश की, और कमाल की बात यह है कि पहली बार इसी कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI शब्द का प्रयोग किया गया था। ये लोग उम्मीद करते थे कि आने वाले कुछ ही दशकों में मशीन्स कई क्षेत्रों में ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी पार कर जाएगी, और उनका यही कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म AI के फील्ड में नए आइडियाज और ब्रेकथ्रू को जन्म दिया। फिर अगले कुछ ही सालों में रिसर्चर्स ने ऐसे बेसिक्स प्रोग्राम्स बनाए जो चेस खेल सकते थे, मैथमेटिकल थ्योरम्स प्रूव कर सकते थे और लिमिटेड इनपुट से सीख सकते थे। इन एक्सपेरिमेंट्स ने नए समय के लिए एक नई राह खोली, लेकिन चैलेंजेस अब भी थे। हालांकि पहले ब्रेक थ्रू हुए AI टेक्नोलॉजी में कंप्यूटिंग पावर और ह्यूमन कॉग्निशन की समझ में काफ़ी लिमिटेशंस थी, और पूरी तरह से ऑटोनोमस मशीन्स का सपना अभी बहुत दूर था। लेकिन इसके बाद 1970s और 80s में AI रिसर्च ने एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाने का नया मोड़ लिया। ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स थे जो ह्यूमन एक्सपर्ट की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को सिमुलेट करते थे, यानी ये प्रोग्राम्स इंसान के सोचने और फैसला लेने का तरीका फॉलो करते थे। ये सिस्टम्स उन रूल पर बेस्ड थे जो बहुत ज़्यादा नॉलेज को समझकर बनाए गए थे।
जैसे माइसिन एक पहला मेडिकल एआई था जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का पता लगा सकता था और ट्रीटमेंट देने के लिए सिम्टम्स और पेशेंट की हिस्ट्री को समझ सकता था। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे थी क्योंकि ये कंप्यूटर्स को कुछ ह्यूमन तरीके से सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका देती थी। लेकिन इन एक्सपर्ट सिस्टम्स की कुछ कमियां भी थी। ये सिस्टम्स पहले से तैयार किए गए रूल्स पर डिपेंड करते थे और नए और अननोन सिचुएशंस को समझने में दिक्कत होती थी, इसलिए ये रियल लाइफ में अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। इसके अलावा ये सिस्टम्स बहुत महंगे होते थे और उन्हें स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंसिव हार्डवर्क की ज़रूरत होती थी जो उस समय आसानी से अवेलेबल भी नहीं था। और इसी वजह से फिर एआई विंटर का समय आया। एआई विंटर उस वक्त आया जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च को काफ़ी रुकावट का सामना करना पड़ रहा था। 1970s और 80s में जब एक्सपर्ट सिस्टम्स और दूसरे एआई प्रोजेक्ट ने अपने इनिशियल सक्सेस के बाद प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस किए तो उन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग रुक गई थी। गवर्नमेंट्स और कंपनीज ने एआई पर पैसा लगाना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि ये टेक्नोलॉजी अपनी लिमिटेशंस के कारण उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई है और इसी वजह से एआई का डेवलपमेंट बहुत धीरे हो गया था और उस समय के रिसर्चर्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा लोगों की उम्मीदें भी बहुत कम हो गई थी क्योंकि एआई की जो उम्मीदें थी उनके कंपैरिजन में जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आए वो उतने इफेक्टिव नहीं थे। एआई के सिस्टम्स प्रीसेट रूल्स पर काम करते थे और ये नए और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में काम नहीं कर पाते थे और इसी वजह से ये सिस्टम्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में फेल हो गए। ये सिस्टम्स बहुत एक्सपेंसिव भी होते थे और उन्हें चलाने के लिए जो हार्डवेयर चाहिए था वो भी उतना एक्सेसिबल नहीं था, इसीलिए जो एआई को लेकर बहुत एक्साइटमेंट थी वो धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन इन सब सेटबैक्स के बाद भी एआई का सफर बंद नहीं हुआ। रिसर्चर्स ने अपनी मिस्टेक्स से सीखा और नए तरीकों से एआई को इम्प्रूव करने की कोशिश की। एआई ने अपने आप को सुधारते हुए नए मेथड्स, एल्गोरिदम्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप की और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग पावर इम्प्रूव होती गई एआई ने अपने लिमिटेशंस को ओवरकम करने की कोशिश की और ये स्ट्रगल और सेटबैक्स के बावजूद भी एआई फील्ड का अगला ब्रेक थ्रू आने के लिए रेडी था जिसमें नए एडवांसेस और टेक्नोलॉजीज के जरिए एआई को फिर से नए हाइट तक ले जाने की उम्मीदें थी। फिर 1980s और 90s में एआई की रिसर्च ने मशीन लर्निंग के साथ एक नया दौर देखा। पहले के रूल बेस्ड सिस्टम्स के बजाय मशीन लर्निंग ने कंप्यूटर्स को डेटा से सीखने की क्षमता दी, मतलब अब कंप्यूटर्स को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं थी, वो डेटा को समझ कर पैटर्न्स को पहचान कर और प्रिडिक्शंस लगाकर काम करते थे। इस दौर में IBM का डीप ब्लू एक ऐसा कंप्यूटर था जो सिर्फ चेस खेलने के लिए डिजाइन किया गया था। 1997 में यह डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्केरो को हराकर एक हिस्ट्री ही बना डाला। ये अचीवमेंट सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन नहीं थी बल्कि ये AI के सफर का एक टर्निंग पॉइंट था जो ये दिखाता है कि मशीन्स अब सिर्फ ह्यूमंस के साथ मैच नहीं कर सकती बल्कि कुछ स्पेसिफिक टास्क में ह्यूमन परफॉर्मेंस को भी पार कर सकती है। लेकिन मशीन लर्निंग की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस थी, जैसे कि इसे मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा की ज़रूरत होती थी और उस समय डेटा को प्रोसेस करने के लिए काफ़ी कंप्यूटिंग पावर भी चाहिए होती थी जो उस समय उतनी प्रचलित नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट और डिजिटल स्टोरेज बढ़ने लगी वैसे वैसे मशीन लर्निंग का पोटेंशियल भी बढ़ने लगी और इसी तरह से आज के मॉडर्न AI की बुनियाद मजबूत होती गई जिसे अगले बड़े लीप डीप लर्निंग के लिए तैयार किया गया। इसके बाद 2000 की शुरुआत में इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की वजह से एक बिगेस्ट डेटा का एक्सप्लोजन हुआ और हर जगह बिल्कुल डेटा मिलने लगा जो AI सिस्टम्स को एनालाइज करने के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। इस समय ने डीप लर्निंग को जन्म दिया जो मशीन लर्निंग का एक हिस्सा है और जो ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर से भी इंस्पायर है। डीप लर्निंग की मदद से AI बहुत बड़े डेटा में पैटर्न्स को पहचान सकता था जिससे इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच ट्रांसलेशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे एप्लीकेशंस का यूज हो रहा था। टेक कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक और अमेजोन ने जल्दी से AI को अपने प्लेटफॉर्म्स को पावरफुल बनाने के लिए अपना लिया। पर्सनलाइज्ड एड्स, सर्च इंजन्स और रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स ने इंडस्ट्रीज में एक बड़ा चेंज ला दिया। AI का पोटेंशियल बहुत बड़ा था और ये सिर्फ लैबोरेटरीज तक सीमित नहीं रहा। AI ने हेल्थ केयर, फाइनेंस और एजुकेशन जैसे फील्ड्स को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। AI का एक जबरदस्त उदाहरण 2012 में देखा गया जब गूगल ने एक एल्गोरिदम डेवलप किया जो बिना किसी ह्यूमन हेल्प के यूट्यूब वीडियोज में कैट्स को पहचान सकता था। ये सिंपल लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट थी
जो दिखाती है कि AI अब कॉम्प्लेक्स डेटा से बिना एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन से सीख सकता है और नए आइडियाज भी जनरेट कर सकता है। ये मोमेंट AI के लिए टर्निंग पॉइंट था, जिसमें AI को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर मिल गई थी। आज के समय में AI इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि इनका इस्तेमाल हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस, इंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर ऑलमोस्ट सारे फील्ड में किया जा रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि AI अब सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि ये इंसानी जीवन का हर एक पहलू को इन्फ्लुएंस कर रहा है। हेल्थ केयर में AI डायग्नोस्टिक को इम्प्रूव कर रहा है, एजुकेशन में पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन और रिस्क असेसमेंट में मदद कर रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन में एलोन मस्क का सेल्फ ड्राइविंग कार्स के थ्रू हमारी डेली कम्यूट को रिशेप कर रहा है। AI का इम्पैक्ट इतना गहरा है कि ये हमारी डेली चॉइसेस, बिहेवियर्स और रिलेशनशिप्स तक को बदल रहा है। सोचो, जब हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं तो वहाँ AI एल्गोरिदम्स हमारे इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस को समझने में मदद करते हैं। इससे हमारे एंगेजमेंट और कंटेंट कंजप्शन को पर्सनलाइज किया जाता है, जिससे हम वो चीज़ें देखते हैं जो हमें पसंद आती है। लेकिन इन सब पॉजिटिव चेंजेस के साथ साथ AI कुछ एथिकल कंसर्न भी लेकर आया है। जैसे जैसे AI की कैपेबिलिटीज बढ़ रही है, वैसे वैसे प्राइवेसी, सिक्योरिटी और बायस जैसे इशू भी सामने आ रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर AI का यूज गलत तरीके से हो तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या डिसीजंस पर भी उसका बहुत गलत असर पड़ सकता है, और इसीलिए हमें AI की ग्रोथ के साथ साथ इन इश्यूज पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज जब हम AI की तरक्की को देखते हैं तो हमें ये सोचना जरूरी हो जाता है कि आने वाला कल कैसा होगा। क्या AI हमारे लिए एक अच्छा सहयोगी बन सकता है जो हमारे काम को आसान बनाएगा, या फिर ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाएगी जिससे हम अपना कंट्रोल खो देंगे। कुछ लोग AI को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझते हैं, यानी एक ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी को बेहद बेहतर बना सकती है, वही दूसरे लोग इसे एक पोटेंशियल थ्रेट के रूप में देखते हैं, यानी एक ऐसी चीज जो हमारी पूरी दुनिया को बदल सकती है और शायद हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है। ये एक ऐसी डिबेट है जो हमेशा चलती रहेगी और इसमें हम सबको शामिल होना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक पर अपने विचार हमारे साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।